गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। आज फिर से आपका न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर के बेस्टी क्लासेस में स्वागत है। देखिए, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हाफ लाइफ पीरियड, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में रिलेशन, ठीक है, और कुछ दो न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे। आज आप उसके आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थर्ड नंबर में है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 सेकंड में, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। देखिएगा, दिया गया है टी बराबर 100 सेकंड, लेकिन यह टी नहीं होगा, कह रहा है 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। आधी मतलब कि यह होगा अर्धायु, टी हाफ, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है के बराबर क्वेश्चन, सूत्र होता है हमारा के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना, 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हमने आपको कल डेरिवेशन में सिद्ध करवाया था, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मान आ जाएगा 100, बराबर हो जाएगा जब 100 का भाग देंगे तो 0.0693 प्रति सेकेंड, या फिर इसको अगर हम घात में बदल दें तो 6.93 इंटू 10^-3 सेकेंड हो जाएगा प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ये आपके प्रथम कोटीय अभिक्रिया के वेग स्थान का मात्रक होगा, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। चलिए आगे देखो, सवाल नंबर 4 है, प्रथम कोटीय अभिक्रिया में 30 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। प्रथम कोटीय अभिक्रिया में 30 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब यहां पर अभी जो आपका सवाल नंबर 3 था उसमें जो अर्धायु दी गई थी वो 100 सेकंड थी, अब जो अर्धायु दी गई है वो 30 सेकंड है, कितनी है 30 सेकंड, ठीक है ना। और के बराबर आपसे पूछा जा रहा है, तो के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, क्या करेंगे भैया 0.693 अपॉन 30 डिवाइड करेंगे तो 0.0231 इतना आ जाएगा प्रति सेकंड, ठीक है ना, क्या आएगा प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5, क्या है सवाल नंबर 5 कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7×10^-4 पर सेकेंड है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 7×10^-4 प्रति सेकेंड है। अपनी प्रारंभिक मात्रा प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना ज्ञात करना, यानी कि आपको निकालना है कितना समय लेगा जब तक अभिक्रिया 1/4 तक पूरी हो जाती है। आई बात सुनिए, तो इसमें जो वैल्यू डिनोट दी गई है उसको डिनोट कर लेते हैं, एक ये वैल्यू दी गई है और एक ये वैल्यू दी गई है, और आपसे समय की गणना पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए भैया क्या क्या दिया गया है और क्या क्या करना है हमें, तो हमारा जो के बराबर है वो दिया गया है 7×10^-4 प्रति सेकेंड, और सांद्रता का ए प्रारंभिक मात्रा को 1 मोल मान लेते हैं क्योंकि दी नहीं गई है, और 1/4 तक कम होना तो प्रारंभिक मात्रा ये हो जाएगी, सॉरी a-x इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये a-x क्या होता है शेष मात्रा, शेष यानी बची हुई मात्रा को a-x 1/4 कहते हैं, और आपसे टाइम t की गणना करना है, t टाइम पूछना है, ठीक है। ये इतनी वैल्यू दी गई है और आपसे टाइम पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रथम कोट के वेग समीकरण से, क्या है प्रथम कोट का, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स,
हमें निकालना टी है, के दिया गया है, पक्षांतर करेंगे तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए का मान कितना होगा भैया 1, ए माइनस एक्स का मान कितना है 1/4, आप जानते हैं 4 कहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के का मान है 7 × 10⁻⁴ इंटू लॉग 4 का मान होता है पॉइंट के 60°, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे हम लॉग 4 इक्वल टू पॉइंट के 6020, ये लॉग 4 का मान होता है, ठीक है। अब इसमें रख के हमें गुणा भाग करना है, जो हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.303 इंटू 0.60 अपॉन 7 × 7, और ये जो भैया 10^-4 है ना, ये वाली संख्या ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इंटू 10⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो t बराबर हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होता है 1.386 इंटू 10⁴ अपॉन 7, ठीक है। अब हम अगर इसमें डिनोट करते हैं तो देखिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखिए भैया 7 का अगर हम इसमें भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 0.198 इंटू 10⁴ हो जाएगा। यहां से दशमलव से पहले एक अंक लिखा जाता है, ये लिखने का नियम होता है 7 अंकों में एक और नहीं, तो ये हो जाएगा 1.98 इंटू 10³ सेकेंड। इतना टाइम लगेगा अभिक्रिया के 1/4 पूर्ण होने में, आया समझ में, आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है एक यौगिक के एक मोल से प्रारंभ करने पर, एक यौगिक के एक मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया 30 मिनट में 3/4 पूर्ण हो जाती है। एक यौगिक का कोई एक मोल लिया जाता है, उस एक मोल से अभिक्रिया शुरू की जाती है, प्रारंभ होती है, और 30 मिनट बाद ये देखते हैं कि अभिक्रिया 1/3 भाग पूरी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं, प्रारंभिक मात्रा a बराबर 1 मोल दी गई है, यहां पर कह रहा है कि एक मोल से प्रारंभ करना है, याद हुआ कि अभिक्रिया 30 मिनट यानी ये टाइम हो गया t इक्वल टू 30 मिनट, इतनी पूर्ण हो जाती यानी x बराबर 3/4, तो भैया जब हम a माइनस एक्स निकालेंगे तो a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, a का मान है 1 और x का है -3/4, तो आप जानते हैं 1/4 मोल आ जाएगा, ठीक है ना, इतने बाद क्रिया शेष रह गई है। प्रथम कोटि के वेग समीकरण से, प्रथम कोटि के वेग समीकरण से, ठीक है, तो क्या होता है k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, तो k बराबर हमें निकाल लेंगे वेग स्थिरांक, तो 2.303 अपॉन 30 log a का मान है 1 के अपॉन 1/4, ठीक है, 4 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 इंटू लॉग 4, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 इंटू पॉइंट के 6020, है ना, ये मान हो जाएगा। चलिए यहां देख लीजिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि k इक्वल टू इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.386 इंटू 1.386 आ जाएगा अपॉन 30, ठीक है, 30 का डिवाइड कर देंगे तो कितना दशमलव लगाएंगे, 3 × 4 = 12, 1 × 18 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा अपॉन, सॉरी गड़बड़ होता है, 30 का डिवाइड करेंगे तो 0.0, 3 × 4 = 12, 1 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है, ये होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों का मल्टीप्लाई 1.386 अपॉन 30, अब अगर हम 30 का डिवाइड करेंगे तो 0.0462 होता है, ठीक है,
ये आपका आ जाएगा, अथवा हम इसको कर सकते हैं ये मिनट, मात्रक मिनट होगा, अथवा हम कर सकते हैं 4.62 प्रति मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा प्रति मिनट, आया समझ में, सॉरी 4.62 इंटू 10 की पावर -2 प्रति मिनट, घात बढ़ जाएंगे तो दशमलव के दो अंक इधर ले जाएंगे तो माइनस की पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे यहां तक कर दे और चाहे यहां तक ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है, हमें प्रूव करना है इस सवाल में कि आंसर जो है हमें 10 गुना लाना है। तो देखिए क्या होता है, देखिए आपका दिया गया है A=100% मानते हैं, क्यों मानेंगे भैया, सवाल हमारा परसेंटेज में दिया गया है और परसेंटेज हमेशा 100 में दे, सवाल हमारा परसेंटेज में है ना, और परसेंटेज हम लोग 100 में से निकालते हैं, तो इसकी प्रारंभिक मात्रा को हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, x=2 दिया गया 99.9%, तो a-x=2 क्या बचेगा कि 100-99.9% तो = आ जाएगा पॉइंट का 1%, a-x आ जाएगा हमारा पॉइंट का 1% आ जाएगा, ये हो गया हमारा पॉइंट 1, ठीक है, और कुछ नहीं वैल्यू है, अब आप लगाते हैं सीधे, चलिए देखते हैं प्रथम कोट के वेग समीकरण से क्या होता है भैया, k=2.303/t log a/a-x, तो के बराबर हो जाएगा 2.303/t का मान हमारा हो जाएगा कितना, दिया नहीं गया है, टी को टी रहने दो, और लॉग ए का मान है 100, ये रहा हमारा लॉग ए, अपॉन ए माइनस एक्स आया हमारा पॉइंट का 1, दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा है ना, तो के बराबर 2.303/t इंटू लॉग, ये 1000 था जिसे हम 10^3 कर सकते हैं, है ना, 1000 को हम 10^3 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा k=2.303/3 log 10, ये हो जाएगा 3 इधर है, ये log a की पावर b बराबर हो जाता है b log a, यानी कि 3 log 10 अपॉन t, क्योंकि आप जानते हैं k बराबर होता है 1.693/t, ये फॉर्मूला होता है 0.693/t, आप तो यहां से हम इसको इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, इस वैल्यू को हम यहां पर फिट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि 0.693/t ½=2.303/3 ये वाले, और log 10 का मान होता है 1/t, ये हो जाएगा है ना, तो क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.693 × t = 2.303 × 3 × t ½, उधर चला गया, t इधर आ गया, हमें निकालना है t, तो 2.303 × 3/t ½/0.693, आप देख रहे हैं दशमलव के तीन अंक से दशमलव के तीन अंक कट जाएंगे, 3 का भाग दे देंगे तो 3 × 9 = 231 आ जाएगा है ना, तो टी ये आ गया 303/231 × t ½, अब 231 का भाग देते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, देखिए 231 का भाग हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, तो t = आ जाएगा 9.9 × t ½, जो कि हमारा समथिंग 10 के बराबर है, तो ये 10 × t ½ हो जाएगा, हमें सिद्ध क्या करना था कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, तो t = 10 × t ½, ठीक है ना, ये हमारा क्या सिद्ध हो गया 99.9%, ठीक है ना,
ये हमारा T99% चार्ज आयु का 10 गुना होता है। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही होगा, आगे देखते हैं कल के लिए। तो अगर आप, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, न्यूमेरिकल अगर आप जी समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा शेयर करें, जिससे कि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपके क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी हो चुके और आप बोर्ड में तथा कॉम्पिटिशन लेवल में सारे एग्जाम को क्लियर कर सकें। जय हिंद, जय श्री राधे।